करने से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, आशीर्वाद लेना सबसे बड़ी बात है। 86 से है अभी तो कुछ नहीं हुआ। आप सभी प्रसाद खा लीजिए हमारी तरफ से। जाओ ना, खत्म हो गया, मैं पी ली आपकी। हर हर महादेव। कितना आज 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 मेरे को दिया, मेरे को बहुत परेशान करती मुझे। चलते चलते हो गया हो गया हो गया हो गया। उधर बंदर 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 कहाँ बंदर, उधर को बंदर, उधर को शेर 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 शेर। मैया जग कल्याण। तीनों में डालिएगा अच्छे से, तीन तीन तो शिवलिंग है यहाँ, तीनों के तीनों पर बिलपत्तर है पूजा। और हम लोग का किस्मत इतना अच्छा है कि सावन में आए हैं, साथ में माता रानी का भी दर्शन कर रहे हैं और भोले बाबा का भी दर्शन, तो दोनों का दर्शन कर रहे हैं एक ही साथ में। क्या हो गया, क्या हो गया भैया, कहाँ है भैया, हाँ क्या है, काट लेगा आपको। अब परेशान करती हूँ मम्मा को इसीलिए शायद। गिरना मत, लटक गई है। हाँ नहीं होगा खत्म। भगवान को डालो ना जी, थोड़ा थोड़ा सबको, जाइए उधर भी है, दोनों बाप बेटी मिलके डाल रहे हैं। प्रणाम नहीं किए? अरे जल्दी कीजिए ना, अगले इंसान के लिए भी रहने दो, जल मत करो पूरा। चलो जल्दी जल्दी। चलिए चलिए ना यार, जय करो जय करो। क्या हो गया ही सभी जा, बहुत मजा आ रहा है। भगवान जी के मंदिर आए हैं, घर में पूजा करना और मंदिर में पूजा करना बहुत अंतर होता है। तो गाइस कैसा लग रहा है, भोले बाबा का लगाया हूँ टीका, तो आपको जरूर जरूर बताइएगा। रची हमारी बड़ी बेटी तो हमेशा गुस्से में चू रहती है, कहीं भी जाती है अच्छे पूजा भी नहीं करती है, हम लोग को भी करने के लिए नहीं देती है। और रश्मि जी भी काफ़ी देर सुबह से कुछ खाए भी नहीं है। तो गाइस सब निकलेंगे घर, पूजा पाठ हो गया, कुछ रास्ते में और भी मंदिर है तो वहाँ भी जाएंगे या फिर नहीं भी जाएंगे, क्योंकि शाम हो चुका है, बहुत जाना है। और हम लोग को जाना है 40 किलोमीटर दूर, यहाँ 40 किलोमीटर दूर जाना है, इतनी परेशान कर रही है। और यहाँ बहुत प्यारा मंदिर है, आप लोग भी आ सकते हैं। इस जगह का नाम है बिलासपुर छत्तीसगढ़ महामाया माई मंदिर रतनपुर, लोग भी आ सकते हैं, बहुत प्यारा मंदिर है ये। तो गाइस यहाँ पे एक तो मोस्ट सबसे पॉपुलर चीज़ है, मैं आपको दिखाऊंगा। 86 से है अभी तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो चीज़ें। फिलहाल अभी माता लोग का दर्शन कर लेते हैं, माता रानी था मैं माफ़ कर दीजिएगा। तो रश्मि जी काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, पूरा घूमे हैं मंदिर का, बहुत बड़ा मंदिर है तो चारों तरफ घूमे परिक्रमा किए हैं, वो थक गए हैं, सुबह से कुछ खाए भी नहीं है और यहाँ पे घुमा जा रहा है। और संदोकाज में आपको दिखा रहा हूँ जो सबसे पुराना चीज़ है, ये है देखिए, 1986 से ज्योत कलर जा रहा, अभी तक बुझा नहीं है, गैस निकालने के लिए चारों तरफ छोटा छोटा सा छेद दिया हुआ जिससे कि गैस निकलता है।
देख सकते हैं आप, ये गैस से निकलने के लिए है चारों ओर ज्योति कुंड है ये पूरा। ये बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, ऊपर कुछ बन रहा है और जब नवरात्रि में बहुत भीड़ रहता है भयंकर, तब ये दीवार के पीछे से घूम के आना पड़ता है तब जाके दर्शन करने को मिलता है, एक संगे खड़ा होने के लिए नहीं मिलता यहाँ पे। और हमारी बड़ी तो बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है, जानते हो आप सभी फैन कहाँ पे चढ़ रही है। कब पूजा संपन्न हुआ, हम लोग महामाया देवी का मंदिर आए थे तो हमारा पूजा संपन्न हो गया। हम लोग क्यों आए थे, आज बहुत ही हम लोग का खास दिन है, आज हम लोग का एनिवर्सरी है ना जी, हैप्पी एनिवर्सरी। आज हम लोग का एनिवर्सरी है इसीलिए हम लोग मंदिर आए थे। और ये रहा प्रसाद, भगवान जी ने चढ़ाए थे तो आप भी खा लीजिए। एक टकली हटा अपना मुंडी को। तो दोस्तों आप सभी भी मिठाई खा लीजिए हम लोग का एनिवर्सरी का, और हमें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। आज हम लोग का एनिवर्सरी है, आप सभी कमेंट कीजिएगा प्लीज़, हमें ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। आप सभी के लिए मिठाई खा लीजिए। और मैं आई थी महामाया देवी का मंदिर बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो चलते हैं घर, और आज सुबह से मैं कुछ नहीं खाई हूँ, एक प्रकार से बोले जाए तो उपास ही हो गया, सुबह से सिर्फ पानी बस पी थी एक गिलास। और हम लोग सोचे भी नहीं थे कि मंदिर आएंगे, अचानक से बना, अचानक से प्लान बना, दोपहर के 1:30 बजे प्लान बना और 2 बजे घर से निकले हम लोग। और अभी शाम का कितना बज रहा है, 6:30-7 बजने वाला है और अभी घर भी निकलना है। अभी 30 किलोमीटर जाना है हम लोग को, काफ़ी दूर का सफ़र है। तो आप सभी प्रसाद खा लीजिए हमारी तरफ से, लीजिए, हैप्पी एनिवर्सरी। मैं सोची नहीं थी इस तरह से हम लोग अपना एनिवर्सरी मनाएंगे करके, माता रानी हम लोग को अपने पास बुला ली। आपको भी हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू। ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट लाइक शेयर कर दीजिए। तो गाइस आज के ब्लॉग यहीं पे रखते हैं। सॉरी दोस्तों मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी बच्चे को संभालना और ऊपर से पास हूँ, मैं तो सोची नहीं थी ऐसा मनाएंगे करके। शादी मेरा है रश्मि जी को माता रानी का आशीर्वाद। जाओ आप भी ले लो, जाओ ना वो देखो प्रसादी मेरा, जाओ जाओ प्रसादी ले, चलो चलो आज प्रसादी आपका फेवरेट है ना, नारियल ले लो ना बेटा, जाओ इधर, ये देखो फेवरेट आपका, इतना सारा जल्दी ले लो, सब ले लो, सब आपका है। मैं मेरा पूजा पाठ कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। मेरा हाल तो देख के आपको पता ही चल रहा होगा, मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ। और मैं घर से ये देखिए 1 किलो चावल लेके आई थी, सारे क्या बोलते हैं साधु बाबा जो भी भीख मांगने के लिए बैठे सबको दूंगी मैं, और सबको प्रणाम भी करूंगी। प्रणाम करने से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, आशीर्वाद लेना सबसे बड़ी बात है। तो चलते हैं। बहुत कुछ तो कर रहा है दिल खरीदने का, लेकिन कुछ भी नहीं खरीदूंगी।
चलते हैं घर। कितना सारा दुकान है, कितना प्यारा प्यारा सामान है। अब ऐसे बजाने में मजा आएगा। बड़ा वाला घर में हालत हो गया खराब, आते आते बहुत जोरदार पानी गिरने लगा था, तो रास्ते में दो से तीन जगह रुके थे, वेट करते करते आए हैं। तभी आए हैं रेस्टोरेंट में और वेट भी नहीं किया है, गप्पा गप्पा खाना ही स्टार्ट हो गया है। और दोनों बच्चे का मस्ती तो चालू है, कहीं भी जाएंगे तो शांत नहीं रहेंगे ना। ऑर्डर भी हुआ और नाश्ता भी, अब क्या है देखिए खाने में डिशेस में कैसे कैसे नहीं। अभी चुपचाप खाने दीजिए, मेरे को डिस्टर्ब बिल्कुल मत कर, मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी, कभी रेस्टोरेंट आए, फाइव स्टार रेस्टोरेंट है, उसी में खाना खा रहे हैं। आज एनिवर्सरी है तो बाहर में अगर खाना ना खाए तो फिर क्या मतलब ऐसा एनिवर्सरी का है ना। मिस्टी तो एनिवर्सरी तो खाना तो बनता है बाहर में, है ना लक्ष्मी जी, कुछ बोलोगे? कुछ नहीं बोलेंगे सर, अभी पेट पूजा चल रहा है इसीलिए कुछ भी नहीं बोलेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। और देखिए हमारी बड़ी बेटी ये सामान इधर से उधर कर दी है, तंदूरी होती है तो कहाँ से टिकेगा। तो वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, स्वाद मस्त लग रहा, मज़ा आ रहा है खाने में। कहाँ है दोनों को, दोनों खाना नहीं खा रहे हैं, तो बड़ी वाली को मोबाइल दिया खाना खिला रही है, उसकी मम्मी कहीं भी चैन नहीं है। तो मेरी स्वीट हार कैसा लग रहा है आज का दिन, बाहर खाना खा रहे हो तो फर्स्ट टाइम बताओ आप। मज़ा आया, क्या चाहिए बेटा? मम चाहिए, समझदार बच्ची है।